guys, good afternoon first of all and welcome to our channel Day to Day for Beginners DD4B. तो गाइज अभी मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रेड लिए हैं इस वीक में, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ वीडियो, बट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रिकॉर्डेड वीडियोस कितना प्रॉफिट है अलॉन्ग विद मैं शेयर मेरा क्या बोलते हैं सारी चीज़ें मैंने वहाँ शेयर करी है। अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज मैंने कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए हुए हैं जो फ्यूचर पर्पज़ के लिए, तो मैं अभी तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ अलॉन्ग विद दिस। उसके साथ साथ मैंने अभी जो प्रीवियस डे के एनालिसिस थे किस बेसिस पे लिए मैंने आपको वो भी दिखा देता हूँ और कितना प्रॉफिट सो फार हमने किया है। नो डाउट हमने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 50K का प्रॉफिट है, बहुत ही प्यारा प्रॉफिट हमने किया है इस वीक के अंदर में। लाइक मेरा तकरीबन मेरी कैपिटल की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरी कैपिटल का अच्छा खासा 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है, मतलब मेरी कैपिटल 5 लाख के राउंड ऑफ है, तो 10% का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली इस वीक में मैंने निकाल लिया। राइट, अभी सबसे पहले इसका एनालिसिस करने से पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलता हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट माई टेलीग्राम ग्रुप। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है 465 पीपल की अपनी फैमिली है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं खुलता है तो आप DD4B इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आइकन आपको दिखेगा, 465 मेंबर्स की फैमिली है तो आप जुड़ सकते हैं। राइट, बेसिकली क्या रीज़न था इस मार्केट के अंदर में ट्रेड करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू। राइट, पहले अगर मैं बात करूँ तो गाइज मैंने यहाँ बोल दिया था कि मैं 1 वीक की फ्री कॉल्स आपको मंडे से देने वाला हूँ मेरे, और मंडे से डेली एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नो डाउट मंडे से डेली एनालिसिस शो कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं लाइक लास्ट क्रूड ऑयल का टारगेट है 40 से, एसएल थोड़ा नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ ये बतक की वजह से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन गाइज, अगर कोई भी लॉस आपको रिकवरी हुआ तो हमने होपली रिकवर करा दी, अगर आज लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में हम जनरली रिकवर करा देते हैं, ठीक है। तो गाइज डन, टारगेट अब डन हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो एसएल 25 का देता है, 25 का एसएल है और 5 का, तो अप्रॉक्सीमेटली नियरली 25 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। तो 2500 रुपये मैंने इस दिन 22 तारीख को 4 लॉट लिए हुए थे, 1 लॉट भी नहीं, 4 लॉट से ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है। द नेक्स्ट फिर ये कुछ ट्रेड्स हैं, आप देख सकते हो ये ट्रेड मैंने एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया था कि ये ट्रेड आपका निफ्टी का ट्रेड है, निफ्टी बैंक का, आप इसे इसी चीज़ से देख ही सकते हो कि अगर आप देखने चाहो, सॉरी अगर आप देखना भी चाहो तो साइड में आपको बार पे 32,000 का दिख जाएगा, तो ये निफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी बैंक का। एंड उसके बाद मैंने शेयर भी किया कि भाई देखो निफ्टी का जो एनालिसिस दिया था कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, बाय मत करना, आप जा करके देख सकते हैं, ये 26 तारीख का ट्रेड है। और फिर देख लो क्या हुआ, डन। और फिर यही उसी दिन का मैंने ट्रेड भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ था गाइस कि सेल क्रूड और आरआर रेशियो देख के चलना, ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि अगर मैं गलत हूँ तो। ये एनालिसिस था मेरा और एक स्पाइकिंग एंट्री थी ट्रेड के अंदर में, 5 मिनट में मेरे को कम से कम 25-30 पॉइंट मिल गए थे इस दिन पे। राइट, फिर स्पाइकिंग एंट्री होने के बाद में मैंने अपना एनालिसिस भी शेयर किया था, बहुत प्यारे इधर से और ये एक प्यारा रिट्रेसमेंट, मेरा रिजेक्शन इस लेवल के अराउंड ऑफ था कि मैं इस लेवल तक वेट करने वाला हूँ, तो ये बहुत अच्छा था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर ये कुछ एडवर्टाइजमेंट मैंने की थी, अगर आप जुड़ना चाहते तो आप आ सकते हैं। फिर ये मैंने 27 का अप्रॉक्सीमेटली आज का टाइम भी दिखा देता हूँ, अभी तो 2-23 हो रखे हैं और 29 तारीख है, तो परसों का ट्रेड है। परसों के ट्रेड में भी मैंने बोला था बाय करने के लिए भी बाय कर सकते हो, नो डाउट वो कम से कम 800 पॉइंट देखे गए। निफ्टी का फिर एनालिसिस मैंने शेयर किया था कि ये निफ्टी का एनालिसिस था, देखो ये निफ्टी का एनालिसिस है और ये निफ्टी बैंक का एनालिसिस है, निफ्टी बैंक का एनालिसिस बोला था इधर तक बाय कर सकते हो, बट इधर से बाय किसी ने नहीं किया था, आई नो वेरी वेल बिकॉज मैंने वोटिंग कराई थी उससे पहले, मैंने बताया था या मैंने पुट को शॉर्ट किया था गाइस, आई वॉज शॉर्टेड अ पुट लेवल, पुट को मैंने शॉर्ट किया था इस लेवल के ऊपर, तो इस इतना मैंने प्रॉफिट कमा लिया था। राइट, अभी पुट को शॉर्ट क्यों किया था, बिकॉज द रीज़न ओनली ये शॉर्टिंग के लिए था ना, पुट को शॉर्ट करूँगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो, और ये प्रॉफिट था। फिर मैंने एनालिसिस करवाया था कि आपको कैसा लग रहा है एनालिसिस, प्लीज़ बताओ हाँ या ना, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने वोट किया था। और फिर अभी एनालिसिस क्रूड का मैंने बोला था, अभी मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं दिख रहा है तो मैं शॉर्ट है बाय नहीं करने वाला, ये 27 का ट्रेड था। फिर NG शॉर्ट करने के लिए बोला था, नो डाउट 208.2 से लेकर के वो सीधा एक पॉइंट गिरा सीधा और मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया था। फिर मैंने NG का ट्रेड दिया, SL इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन टेक अ ट्रेड इफ़ अंडर 2% ऑफ योर कैपिटल, अगर 2% से अंदर है तो आप ट्रेड ले सकते हो। आप देख सकते हो गाइस कि 50% रिट्रेसमेंट नहीं, 61% रिट्रेसमेंट पे दिया बाय करने के लिए और इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। ऑल अबाउट मैंने एनालिसिस बहुत प्यारा दिया था, यही सेम ट्रेड मैंने NG शॉर्ट भी बोला, बैंक निफ्टी बाय भी बोला, पर यहाँ बोला था लिटिल बिट रिस्की पर 100 पॉइंट का रिस्क है। देख लो SL 100 पॉइंट्स का है, निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट है, मेरा SL भी उतना ही रहता है, टारगेट भी उतना ही, ठीक है।
और ये मेरा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, रनिंग प्रॉफिट मेरा एनजी का उस टाइम पे था जो एनजी का मैंने आपके साथ में बोला था, ऑल टारगेट डन्स, ठीक है। तो फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर ये मेरा कल का है सारा का सारा, इट इज़ अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट पॉसिबल कप ऑफ ट्री है या नहीं, आप देख सकते हो 130 140 के बीच में बाय करना। 30 से 70 मतलब 30 मेरा एसएल था, नियर बाय 100 पॉइंट एसएल, 100 पॉइंट टारगेट, और टारगेट अगर मैं बोलूँ तो बैक टू बैक 3 दिन से 5 कॉल में 88 प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरा एनालिसिस था ऑल अबाउट, ये इसके बाद में बाय करने के लिए बोला था। तो आज सुबह का ट्रेड इट्स लुक लाइक निफ्टी को शॉर्ट करने के बोला, और मैंने बोला अगर पुल बैक मिलता है तो ही ट्रेड लेना, अदरवाइज ये एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई थी हमने ने ली। बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ और फिर उसके बाद में आई होप यूट्यूब का ट्रेड अगर नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आज मंथली और वीकली एक्सपायरी है तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि लोगों का ट्रेड नहीं भी लिया, बट एक ही ट्रेड में 200 पॉइंट का एसएल था, एसएल देख सकते हो, एसएल कंपेयर कर सकते हो, 200 पॉइंट का एसएल और 200 पॉइंट का टारगेट था। और ऑल अबाउट दिस इज माई एनालिसिस अबाउट ऑफ बैंक निफ्टी, आज का एनालिसिस क्या है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, नो डाउट ये बहुत अच्छा बुल रन मार्केट है। और गाइज ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैंने अपने प्रॉफिट्स उसके साथ शेयर किया है, क्योंकि अभी मेरा और भी ट्रेड चल रहे हैं उसके अंदर में, जो मेरे आर्बिट्राज की ट्रेड्स है, आर्बिट्राज ट्रेड शायद आप जानते होंगे कि रिस्क फ्री ट्रेड्स होते हैं, तो उन ट्रेड्स का क्या रीज़न है वो मैं आपको वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना अपलोड करूंगा जब बताऊंगा, और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज मेरा सेटअप थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये ऑल अबाउट माई देखो सारे कॉल 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 की मैं लिए, एक पी लिया था, पी को मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया था क्योंकि आज एक्सपायरी है, और तीनों को मैंने मॉर्निंग सेशन में बाय कर लिया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑल अबाउट, ये सारा प्रॉफिट था, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, 6 मिनट मैंने अभी इसको बताया कि एक हफ्ते में हमने क्या किया। अब मैं बात करने वाला हूँ कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टाइम पे ट्रेड क्या रह सकता है। 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत प्यार से देखेंगे तो मैं कोई बड़ी टोप नहीं लगा रहा हूँ यहाँ, सिंपल से क्लियर कट ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन ये है, एक ट्रेंड लाइन मेरी, एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन ये है, जहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, जहाँ से हमने बाय करने की कोशिश भी किया, बट आज क्या था कि मार्केट के अंदर में एक पैनिक सेल आ सकता था, बट मैं श्योर नहीं था क्योंकि मार्केट एक आप अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा था। तो द रीज़न ओनली सिंपल कि अरे इस मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन लेना ही लेना है, विदाउट लिए बिना नहीं उठ सकता मार्केट, उसने सेम रिजेक्शन लिया, बट मेरी हिम्मत नहीं थी इधर से शॉर्ट करने की बिकॉज एक थोड़ा रिस्की लग रहा था। हो सकता है कि मार्केट में जो ये गैप अप खुला है ना, मार्केट एटलीस्ट सोच के देखो यार, मार्केट के अंदर में 1868 से समथिंग, सॉरी 800 समथिंग 200 पॉइंट आपको टारगेट मिल रहा है, तो 200 पॉइंट मिलेगा, 10,000 रुपये किसी के बुक हो, सॉरी 15,000 किसी के बुक हो जाएंगे, तो यार वो तो बैठे बैठे क्या बोलते हैं अपना ट्रेड एग्जिट कर देगा। तो ये ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग, फिर ब्लड शेल हुआ और 15 मिनट में मैंने क्या एंट्री ढूंढी, आप भी देखिएगा, ये सेम एनालिसिस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि मार्केट एक स्वीट अप ट्रेंड में है, मार्केट टेकिंग अ रिजेक्शन, मार्केट ने एक बेस लिया, बेस लेने के बाद में लगातार लगातार क्या बोलते हैं आपके आपके लगातार क्या बोलते हैं इसमें हायर हाइज क्रिएट होते हुए लग रहे हैं, और हायर हाइज क्रिएट होने के बाद में इस मार्केट में जैसे ही गैप आया ना, इसके बाद में पूरा कन्फर्म हो गया था कि अच्छा खासा बाइंग आ चुका है। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, मॉर्निंग स्टार बनाया, मैंने छोटा सा एसएल निफ्टी में तो नहीं दिया खास, बट इसमें आप देखोगे तो पूरा, सॉरी मैंने 50% रिट्रेसमेंट का वेट किया था नियर बाय इस कैंडल के राउंड ऑफ, ठीक है। और यहाँ मेरा 54 ट्रेड, क्योंकि 54 का एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो 40 पॉइंट का एसएल रखा और 40 पॉइंट का टारगेट में आप निकाल सकते हो। तो सेम एग्जैक्ट निफ्टी का ट्रेड था और निफ्टी बैंक में भी एग्जैक्टली दैट इज़ द सेम स्नैरियो। निफ्टी में नो डाउट काफ़ी अच्छा ट्रेड है, देखो आप मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप मार्केट अब ट्रेंड में आ चुके हैं गाइस, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट क्यों आया आप खुद देखो, खुद समझ जाओगे मार्केट को कि मार्केट इट्स टेकिंग अ रिजेक्शन एट वेयर लेवल, द सेम एग्जैक्ट लेवल वेयर विद द नेक्स्ट टाइम मार्केट, अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट हो चुका है मार्केट को, बट आज गिरने का एक ही रीज़न है। मार्केट को ये मत समझिए कि मार्केट इतने दिनों से उठे जा रहा है तो एग्जॉस्ट हो गया इसलिए गिर गया, रीज़न बहुत सिंपल है गाइस कि एक तो राउंड फिगर लेवल है और दूसरा लेवल बहुत सिंपल, मैं इधर से 30 मिनट्स में शायद दिख जाएगा आपको वो लेवल्स। यहाँ देखिए एक मल्टीपल वेग रिजेक्शन लेवल से जहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और रिजेक्शन हो गया, और सेम लेवल से मार्केट अभी आकर के रिजेक्ट ले रहा है। तो क्या अभी मैं शॉर्ट कर दूँ? नहीं, अभी मेरा प्लान है मैं शॉर्ट करने का नहीं है, मेरा प्लान है पुट और कॉल को दोनों को शॉर्ट करने का, ठीक है। तो इसमें भी सेम एंट्री मेरे को यहाँ मिलती है बिकॉज मैं अभी बुल मार्केट में खड़ा हूँ, तो बुल मार्केट में बाय करूंगा सेल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इस ब्लड शील पर कोई ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो ऑल अबाउट माई टुडेज ट्रेड, और फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड मैं डेली के डेली अपना पोस्ट मार्केट रिव्यू डालूंगा, और अलॉन्ग विद दिस कि मार्केट को क्या होता है क्या नहीं, अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर देखो मार्केट अगर सीधा मार्केट, अब एनालिसिस सुन लो कल के मार्केट की, मेरी एनालिसिस क्या, अगर मार्केट कल
अपने हाई को तोड़ करके गैप अप से खुलता है, नो डाउट एक और ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट लेगा और ट्रेंडिंग मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो नो डाउट दैट इज़ अ वेरी कॉस्ट टू द मार्केट। फिर मार्केट में यार दोबारा आपको ऐसा ब्लड शेल देखने को मिल सकता है मॉर्निंग आर में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई, जनरल बात है। और अभी अगर मैं बात करूँ कि अगर मार्केट नीचे खुलता है तो कितना नीचे खुलता है, अगर मार्केट सपोज करो कि मैं आपको इस साथ में डिस्कस कर देता हूँ, अगर मार्केट बैंक निफ्टी के इसके नीचे खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मार्केट का लास्ट लेवल ये है। अगर मार्केट को अगर तोड़ना हो एक्चुअली में, अगर मार्केट को एक्चुअली में अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट को 32,500 का लेवल तोड़ना होगा। इतनी बड़ी रेंज के अंदर में मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है तो कहीं ना कहीं कल मार्केट एक फिर साइडवे रेंज मार्केट हो सकता है, 32,500 के बीच में रह सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इसके नीचे आता है। गैप डाउन खुलता है नो डाउट इट्स टेकिंग अ रिजेक्शन एंड देन गोइंग बैक टू दिस लेवल, हो सकता है। अगर इसके पास जाएगा तो फिर टेकिंग अ रिजेक्शन एंड देन बाउंस बैक ले सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केटों को लेकर के। बट मैं कल मार्केट में शायद नहीं हूँगा तो वीकेंड से कि मैं मार्केट में कल एनालिसिस भी नहीं डाल पाऊंगा। तो ऑल अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स बैंक निफ्टी में हम ध्यान रखेगा। अगर मार्केट बहुत ही गैप अप खुलता है, लेट इट बी इतर खुलता है 35,000 के ऊपर ही खुलता है, सपोज अगर ले लेते हैं 1,000 पे ऊपर खुलने में कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, तो फिर आपको एक सीधा शॉर्ट सेलिंग दिखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा। अगर मार्केट ऊपर ना खुल करके सीधा मार्केट साइडवे खुलता है, साइडवे खुलेगा तो आपको आज का हाई या आज के लो के नीचे आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, अदरवाइज वो साइडवे रहेगा, अदरवाइज आप ट्रेड ना लीजिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हुआ है मेरा एनालिसिस, और मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखी है, लाइक 11 मिनट की वीडियो है। सेम एग्जैक्ट आप लेवल निफ्टी 50 का भी ले सकते हैं। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में एज सच मेरा कोई मैं अगर आपके साथ में बात करूँ तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि निफ्टी के अंदर में भी सेम लेवल्स के साथ में, इंटेंशन मेरी यही रहेगी जब तक मार्केट इस गैप को फिल नहीं करता है ना, जब तक मैं मार्केट को नहीं बोल सकता कि मार्केट एक अच्छे बुल रन में जाएगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इन द गुड रन, बिकॉज मार्केट ने इस लेवल को ही तोड़ कर सीधा बुल रन मार्केट दिया है, तो नो डाउट यार फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, वी हैव नो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट 14,700 के पास ले ले, तो क्या सर हम लेकर रख ले क्या? गलत है, आप पहले मार्केट को पूरा मोमेंटम समझो उसके बाद ही ट्रेड लेना। ठीक है, तो ऑल अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी डन इन दिस मार्केट। और अगर आप गाइज आपको अच्छा लगा हो तो आई एम वेरी हैप्पी। और वन मोर थिंग, अगर आपको क्या बोलते हैं हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, राइट हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। अगर आपको कॉल्स लेनी है आप कॉल्स भी ले सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। दिन में मैं एक या दो कॉल देता हूँ, ज़्यादा नहीं एक या दो कॉल देता हूँ। अगर एक में लॉस हो जाए तो मैं दूसरी भी नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉस अगर हुआ तो पॉकेट साइज लॉस होना चाहिए, डबल लॉस नहीं। जरूरी नहीं कि मैं दूसरी एंट्री दूंगा दूसरे में प्रॉफिट ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ है। एंड द नेक्स्ट एंड सेकंड फॉरवर्ड जनरली देखो, बाय गॉड ग्रेस पिछले टू वीक से मेरा एक भी ऐसे हिट नहीं हुआ है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मैं हर एक में ट्रेड देता हूँ, कमोडिटी ऑप्शंस स्टॉक्स डिपेंड अपॉन द ट्रेड। अगर मुझे दिख गया अगर अच्छा मोमेंटम मैं डेफिनेटली देता हूँ, अगर मेरे को 1% भी डाउट होता है मेरे सेटअप में तो फिर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये ऑल अबाउट है। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सअप करके इस नंबर पे, या कॉल भी कर सकते हैं। आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्ट्रेट अवे अभी के टाइम पे, वो मेरे ख्याल से आपको 1 मई तक, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चल रहा है। अगर वो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद में फिर आपको 100% अवेल करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा टैक्स का मामला है, अगर आप देखना चाहो तो आप आ सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। ओके गाइस।